फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 6k। यहाँ ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये बन जाएगा रूट ओवर 2k² प्लस 3k² प्लस माइनस 6k² ये आ गया 4 प्लस 9 प्लस 36, 45 प्लस 4 49, तो रूट 49 प्लस माइनस 7। लेंथ ऑफ वेक्टर निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दीजिए, 7 यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i प्लस 4j माइनस 12k। तो ये अगर मान ले ए वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 12k, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 3k² प्लस 4k² प्लस माइनस 12k², ये आ गया 9 प्लस 16 प्लस 144 प्लस 25 169, ये आ गया 13 यूनिट्स। तो देखिए, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ये बन जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये आ गया ए वेक्टर, तो इसके प्लेस पे ये आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 12k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये है 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 13 i प्लस 4 अपॉन 13 j माइनस 12 अपॉन 13 k कैप। तो ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स i माइनस j प्लस 3k 2i प्लस j माइनस 2k एंड i प्लस 2j माइनस 2k। अगर ये मान ले a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर ये बन जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो ये आ गया i माइनस j प्लस 3k प्लस 2i प्लस j माइनस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k। तो ये आ गया i प्लस 2i 3i प्लस i 4i माइनस j प्लस j, तो 0j प्लस 2j 2j 3k माइनस 2k k माइनस 2k माइनस k। तो ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए, ये आ जाएगा r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, तो ये आ गया 4i प्लस 2j माइनस k कैप अपॉन रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, क्या हो जाएगा रूट ओवर 4k² प्लस 2k² प्लस माइनस 1k², तो ये आ गया 4i प्लस 2j माइनस k अपॉन रूट ओवर 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस के एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस जे प्लस 2k। फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए, अगर मान ले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड इक्वल वेक्टर होंगे, मीन्स ए बी वेक्टर इक्वल्स टू डी सी वेक्टर, और ये दोनों साइड इक्वल वेक्टर होंगे, मीन्स ए डी वेक्टर इक्वल्स टू बी सी वेक्टर। एक डायगोनल बनेगा ए सी वेक्टर और एक डायगोनल बनेगा बी डी वेक्टर। अगर ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर और ए डी वेक्टर रिप्रेजेंट्स बी वेक्टर, तो ये जो डायगोनल ए सी वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये जो डायगोनल बी डी वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इतना क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे ए सी वेक्टर ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे i प्लस j माइनस k प्लस माइनस 2i प्लस j प्लस 2k। तो ये आ गया i माइनस 2i माइनस i j प्लस j 2j माइनस k प्लस 2k प्लस k। तो यूनिट वेक्टर अलोंग के डायगोनल ए सी वैक्टर ये आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, मीन्स ए सी वैक्टर अपॉन मॉड ए सी वैक्टर। तो ये बन जाएगा ए सी वैक्टर के प्लेस पे ये आ जाएगा माइनस आई
प्लस टू जे प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये आ गया माइनस आई प्लस टू जे प्लस के अपॉन वन प्लस फोर फाइव प्लस वन सिक्स, ये बन गया। नाउ बी डी वैक्टर रिप्रेजेंट बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, तो ये आ जाएगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, तो ये बन गया माइनस टू आई माइनस थ्री आई जे माइनस जे जीरो जे टू के प्लस के थ्री के। नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग बी डी वैक्टर, यह आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर मीन्स बी डी वैक्टर अपॉन मॉड बी डी वैक्टर, तो ये आ गया बी डी वैक्टर मीन्स माइनस थ्री आई प्लस थ्री के अपॉन रूट ओवर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो नाइन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, ये आ गया माइनस थ्री आई प्लस थ्री के अपॉन रूट एटीन, रूट एटीन को हम लिख सकते हैं थ्री रूट टू। नाउ थ्री 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 कैंसिल माइनस आई प्लस के अपॉन रूट टू, ये आंसर आ गया। क्लियर? सबसे पहले अगर हम ये फाइंड करें तो थ्री ए वैक्टर माइनस टू बी वैक्टर प्लस फोर सी वैक्टर, ये हो जाएगा थ्री, और यहाँ ए वैक्टर थ्री आई माइनस जे माइनस फोर के माइनस टू, और बी वैक्टर के प्लेस पे ये आ जाएगा प्लस फोर, सी वैक्टर के प्लेस पे ये आ जाएगा, ये आ गया नाइन आई माइनस थ्री जे माइनस ट्वेल्व के प्लस फोर आई माइनस एट जे प्लस सिक्स के प्लस फोर आई प्लस एट जे माइनस फोर के, ये बन गया नाइन आई प्लस फोर आई थर्टीन आई प्लस फोर आई सेवेंटीन आई माइनस थ्री जे माइनस एट जे माइनस अलेवन जे माइनस अलेवन प्लस एट माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये बन जाएगा रूट ओवर सेवेंटीन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टेन का स्क्वायर, ये आ गया रूट टू एटी नाइन प्लस नाइन प्लस हंड्रेड टू नाइन्टी एट प्लस हंड्रेड थ्री नाइन्टी एट, ये आंसर आ गया। क्लियर? सिक्स क्वेश्चन है, पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू थ्री आई प्लस टू जे माइनस के एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर वन माइनस वन टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू अगर हम मान ले एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो यहाँ पे पी क्यू वैक्टर ये दिया हुआ है थ्री आई प्लस टू जे माइनस के, और पी क्यू वैक्टर मीन्स पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू पॉइंट माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी पॉइंट, तो ये आ जाएगा पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू पॉइंट। तो कॉर्डिनेट एक्स वाई जेड हमने माना है, तो ये बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, पी के कॉर्डिनेट्स दिए हुए वन माइनस वन टू, तो आई माइनस जे प्लस टू के, ये बन जाएगा, और ये इक्वल्स टू दिया हुआ है थ्री आई प्लस टू जे माइनस के, तो ये बन गया थ्री आई प्लस टू जे माइनस के इक्वल्स टू, अब यहाँ से मिल गया एक्स माइनस वन आई, यहाँ आ जाएगा वाई प्लस वन जे, और यहाँ आ गया जेड माइनस टू के। नाउ आई आई के कोफिशियंट को इक्वेट कीजिए, तो यहाँ से मिल गया एक्स माइनस वन इक्वल्स टू थ्री, जे जे के कोफिशियंट को इक्वेट कीजिए तो मिल जाएगा वाई प्लस वन इक्वल्स टू टू, और के 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 कोफिशियंट को इक्वेट कीजिए तो जेड माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन, यहाँ से एक्स आ गया थ्री प्लस वन फोर, वाई आ गया टू माइनस वन वन, जेड आ गया माइनस वन प्लस टू वन, तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें फोर वन वन, ये आंसर आ गया। क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द पॉइंट आई माइनस जे फोर आई माइनस थ्री जे प्लस के
एंड 2y माइनस 4j प्लस 5k आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल। देखिए अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करें ए बी सी और सेम ऑर्डर में साइड कंसीडर करें मीन्स ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर सी ए वैक्टर, तो यहां से ए बी वैक्टर ये क्या मिल जाएगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। तो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, तो ये आ गया 4i माइनस आई 3i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j k माइनस 0 k, तो k ये आ गया ए बी वैक्टर। नाउ bc वेक्टर ये निकाले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c 2i माइनस 4j प्लस 5k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b तो 4i माइनस 3j प्लस k, ये आ गया 2i माइनस 4i माइनस 2i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j 5k माइनस k 4k। नाउ ca वेक्टर ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ a i माइनस j प्लस 0 के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c तो 2i माइनस 4j प्लस 5k, तो ये बन जाएगा i माइनस 2i माइनस i माइनस j प्लस 4j 3j 0 के माइनस 5k तो माइनस 5k। इतना क्लियर? अब ये अगर ट्रायंगल है तो ये हमने सेम ऑर्डर में कंसीडर किया है मीन्स ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, ये एक जीरो वैक्टर होना चाहिए तो ये चेक करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k माइनस 2i माइनस j प्लस 4k माइनस i प्लस 3j माइनस 5k, तो ये आ गया 3i माइनस 2i i माइनस i 0i माइनस 2j माइनस जे माइनस 3j प्लस 3j 0j k प्लस 4k 5k माइनस 5k 0k, तो ये आ गया 0 वेक्टर। इसका मतलब हेंस ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो देखिए लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर ये आ जाएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया रूट ओवर 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 आ गया। नाउ बी सी वेक्टर इसकी लेंथ निकालिए तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 प्लस 1 17 प्लस 4 21। नाउ सी ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35। नाउ अब यहाँ पे किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 21 प्लस 14 35 और ये 35 है। इट मीन्स दैट कि अगर हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये करें तो ये इक्वल्स टू सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। सो इट फॉर्म्स राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के कॉमा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के कॉमा सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय इट्स साइड्स फाइंड द लेंथ ऑफ दीज वेक्टर। तो ये अगर मान ले ए बी सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो ट्रायंगल के साइड कौन कौन से बनेंगे, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर। अगर हम सेम ऑर्डर में कंसीडर करें तो ए बी वेक्टर ये हम कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा बी वन माइनस ए वन
आई प्लस बी टू माइनस ए टू, जे प्लस बी थ्री माइनस ए थ्री के। इतना क्लियर? ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये आ जाएगा सी वन माइनस बी वन आई प्लस सी टू माइनस बी टू जे प्लस सी थ्री माइनस बी थ्री के। नाउ सी ए वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ये आ जाएगा ए वन माइनस सी वन आई प्लस ए टू माइनस सी टू जे प्लस ए थ्री माइनस सी थ्री के। इतना क्लियर? अब इन सारे साइड्स की लेंथ भी फाइंड करनी है, मीन्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर, ये आ जाएगा रूट ओवर बी वन माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस बी टू माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस बी थ्री माइनस ए थ्री का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर, ये आ जाएगा रूट ओवर सी वन माइनस बी वन का स्क्वायर प्लस सी टू माइनस बी टू का स्क्वायर प्लस सी थ्री माइनस बी थ्री का स्क्वायर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वैक्टर, ये आ जाएगा रूट ओवर ए वन माइनस सी वन का स्क्वायर प्लस ए टू माइनस सी टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री माइनस सी थ्री का स्क्वायर। ये आंसर आ गया। क्लियर?